कटिहार, रविवार को कांग्रेस के राष्ट्र महासचिव पूर्व सांसद कटिहार तारिक अनवर इंडियन आइडल के प्रतिभा सितारा परवीन विनोदपुर स्थित आवास पर पहुंचे, उनका हौसला अफजाई भी किया। इस दौरान उन्होंने सोनी टीवी में चर्चित शो इंडियन आइडल में चयन के लिए सितारा परवीन के माता पिता क्रमशः जुलेखा खातून व मोहम्मद सलाउद्दीन की पुत्री की सफलता पर बधाई देते हुए संगीत के क्षेत्र में उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। प्रेस को अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सितारा परवीन की सफलता से न केवल कटिहार बल्कि पूरे बिहार और देशवासी गौरवान्वित है। आगे उन्होंने कहा कि सितारा एक दिन कला जगत का सितारा बनकर उभरेगी। अपना प्रयास है, अपना लगन है जो इसको यहाँ तक, इतनी दूरी तक आने में कामयाबी मिली है। मैं सितारा परवीन को ताज्जुब की बात है, आश्चर्य की बात है कि कोई इसको सुविधा नहीं है। एक गरीब परिवार से है, बहुत ही गरीब परिवार से, और आगे भविष्य में इसको और ज़्यादा कामयाबी मिले, और ज़्यादा इस बात को स्वीकार नहीं करता है। बहुत तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ख़ास के जब कोई लड़की आगे बढ़ना चाहती है तो उसको तो और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इनके माँ बाप की जितनी भी तारीफ़ की जाए, इनके परिवार की जितनी तारीफ़ की जाए, कि तमाम मुखालफत के बाद या अड़चनों के बाद तब भी इसको हर तरह से आगे बढ़ाने का काम इन लोगों ने किया है, तो वो लोग भी मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में सितारा सही मानों में पूरे बिहार की नहीं, पूरे देश की एक सितारा बनेगी। जी, एक अंतिम सवाल है सर, कटिहार की बिटिया सितारा आज पूरे जिला के ही नहीं बिहार की सितारा बन चुकी है, तो अन्य जो संगीत प्रेमी हैं उनको क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, सिर्फ संगीत की बात नहीं, किसी भी क्षेत्र में जब तक आपके अंदर लगन ना हो, आपकी इच्छा शक्ति ना हो, उत्साह ना हो, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। कामयाबी का सबसे बड़ा राज है कि आपके अंदर वो जोश, लगन और आगे बढ़ने की का हौसला, ये सब होना चाहिए। और वो तमाम चीज़ें हम सितारा परवीन में देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि उसके अंदर एक आगे बढ़ने की पूरी इच्छा शक्ति है। और आने वाले समय में बिल्कुल सही आपने कहा कि ये सिर्फ कटिहार तक महदूद नहीं रहेंगे या बिहार तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि पूरे देश में नाम रोशन करेंगे। यही मेरी शुभ